हे गाइस, कैसे हैं आप सब? खूब सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक रेमेडी के बारे में मैं शेयर करूँगी, और वो है कोकोनट नारियल ऑयल। कोकोनट नारियल ऑयल आप शायद बालों के लिए इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है कोकोनट नारियल ऑयल। और एक होता है नॉर्मल कोकोनट नारियल ऑयल, और एक होता है वर्जिन कोकोनट नारियल ऑयल। वर्जिन कोकोनट नारियल ऑयल क्या होता है? आपको पता है, वो ऑयल ना आप खुद घर पे भी बना सकते हो, बहुत आसान है। उनकी मम्मा बनाती है, तो वो प्योर कोकोनट नारियल ऑयल है, जिसे आप खा भी सकते हो। शायद केरला के साइड लोग भी ऐसे ही खाते हैं, जैसे नॉर्मली बहुत सारे करी में भी उनका कोकोनट नारियल ऑयल बनता है। उनका रेसिपी बहुत अच्छा भी रहता है, टेस्टी, पर हमने कभी वो टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे साइड में उड़ीसा में सरसों का ऑयल और नॉर्मली ऑयल से बनता है जो भी रेसिपी हो। पर वर्जिन कोकोनट नारियल ऑयल जिसे आप खा भी सकते हैं, वो स्किन के लिए गजब का रिजल्ट देता है। और आप यकीन मानिए, अगर आपकी एज कम है, अगर नियमित रूप से अगर आप वर्जिन कोकोनट नारियल ऑयल को सिंपल तरीके से अपने फेस पर मसाज करोगे ना, उसका बहुत ही अच्छा प्यारा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। एजिंग साइंस कम होगी, जो फाइन लाइंस पड़ता है वो भी कम होगी, हमारे दाग धब्बों को ठीक करता है। पिगमेंटेशन वो तो बहुत ज़्यादा हल्का करता है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको होता है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा हल्का भी करता है, बहुत ज़्यादा कम करता है। आप कभी ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरे हाथ में जो प्योर कोकोनट नारियल ऑयल। मैं बस लगा लगा के बस इतना ही आपको दिख रहा है ना, पता नहीं, बहुत कम है इसलिए आपको दिखाई भी नहीं देता होगा, बहुत कम है। बस फेस के ऊपर लगाना है। आप अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा, देन आप ये ऑयल को मसाज करिएगा फेस के ऊपर। मैंने ऑलरेडी फेस को ऑलरेडी साफ कर लिया है, बस थोड़ा सा इतना। प्योर कोकोनट नारियल ऑयल, और इसका खुशबू ना बहुत ही अच्छा होता है। आप डायरेक्ट उसको फेस पर भी लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई। हाँ, अगर आपको कोकोनट नारियल ऑयल से आपको, और अगर आपका स्किन ऑयली है तो इसको थोड़ा सा स्किप करिएगा, क्योंकि पिंपल हो सकता है। अगर आपका स्किन ऑयल है तो, मेरा ना ऑयली है ना ड्राई है, तो मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभार पिंपल्स आता है, ये तो नॉर्मल है, कैजुअली है तो वो आएगा ही आएगा। फोरहेड पर जरूर मसाज करिएगा। आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल होना है होता है ना, तो आप उसको आंखों के नीचे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको एक रियल मॉइस्चराइजर की आपको ज़रूरत है तो कोकोनट नारियल ऑयल बेस्ट है। ये आपकी स्किन की रंगत को सुधारता है, स्किन को मुलायम बनाकर रखता है, स्किन सच में ब्राइटर नज़र आएगा आपको अगर इसको आप रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हो ना। और एक बात, अगर कभी कभी हमारा स्किन पे कभी रैशेस हो जाता है, कभी पता भी नहीं चलता, और कभी कभी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, आपको सूजन को ठीक करता है। फेस पैक बनाने के लिए मैंने 1 स्पून बेसन लिया है, बेसन का तो गुडनेस क्या कहना।
हमारे स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है बेसन, एक्सफोलिएटिंग का काम करता है, इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है ना, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और थोड़ा सा मैंने कस्तूरी हल्दी लिया है, कस्तूरी हल्दी उसका भी क्या कहना, उसको हम वाइल्ड टर्मरिक एंड अम्बा हल्दी भी बोलते हैं। और इसको ये जो है इसमें ना मैंने ऐड किया है फिटकरी, कोकोनट नारियल ऑयल, एक विटामिन ई की कैप्सूल और गुलाब जल में इसका एक सीरम मैंने इस्तेमाल किया था। मुझे ये सब चीज़ इस फेस पैक पे ऐड करना है। आप अगर ये सब चीज़ों में जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किया है, अगर इससे आपको एलर्जी है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फेस पैक बन के रेडी हो गया है, और आपको अपने स्किन के ऊपर लगाना है। देखिए मैंने पूरा कवर कर लिया है फेस पैक, अगर ये बच जाए ना तो आपने हाथ और पैर पर भी आप लगा सकते हैं, इसको फेंकिएगा मत। 20 मिनट, 20 मिनट इनफ होता है, ये सूख जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सूख जाएगा। जब सेमी ड्राई हो जाए तो उसको 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 आप अपर डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे, अगर आपके फेस पर अनवांटेड हेयर है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। देखिए ये थोड़ा सा सूख गया, फोरहेड पे सूख गया है, तो यहाँ पे तो सेमी ड्राई जब हो जाए तो आप उसको अपर थोड़ा सा मसाज कर करके निकालना। मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलिएगा। तो गाइस मॉइस्चराइजर लगाना हो गया है, तो आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट प्लीज करिए। मिलती हूँ न्यू वीडियो पे एक न्यू रेमेडी के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।